दिनांक 12/8/2020 को जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य जगहों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 13 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहले जो है 57 वर्षीय पुरुष, दूसरी जो है 54 वर्षीय महिला, तीसरे जो है 33 वर्षीय पुरुष और चौथी जो है 33 वर्षीय महिला। ये चारों एक ही परिवार से है और मकरोनिया निवासी है। इसके अलावा पांचवी जो है 50 वर्षीय महिला, ये काली तिगट्टा गोपालगंज से है। छठवें जो है 34 वर्षीय महिला, ये सानोदा से है। सातवें जो है 29 वर्षीय पुरुष, ये सनीचवी निवासी है। आठवें जो है ये 47 वर्षीय पुरुष, रामपुरा वार्ड से है। नौवीं जो है 57 वर्षीय महिला, ये द्वारिका बिहार टीवी से है। दसवें जो है 43 वर्षीय पुरुष, ये भगवानगंज से निवासी है। इसके अलावा 11वें 21 वर्षीय पुरुष, 12वें 22 वर्षीय पुरुष एवं 13वें 20 वर्षीय पुरुष, ये तीनों जो है कैंट निवासी है और इनका सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा आज अच्छी खबर ये है कि 10 लोग जिनका इलाज चल रहा था, ये पूरी तरह स्वस्थ होकर बीएमसी से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और सागर जिले की खबर नहीं है, लेकिन बीएमसी में एक दूसरा खबर है कि दमोह जिले के जो व्यक्ति जिनका इलाज चल रहा था, इनकी आज सुबह जो है मृत्यु हो गई है। आज का यही अपडेट है। एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि सावधानी जरूर बनाए रखें। नमस्कार।